वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को मैथ्स क्लास टेंथ मैथ्स एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन बताने चल रहा हूँ। थर्ड का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया है, आज मैं सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा। इस सेकंड और थर्ड इसमें कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका मतलब होता है एलसीएम और एचसीएफ निकालिए किस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ निकालना है, जिसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इसमें ये दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन 17, 23 एंड 29, इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करने चल रहा हूँ। एलसीएम 17 का फैक्टर कर लो। 17 का फैक्टर क्या होगा, 17 लिखेंगे, 17 इज इक्वल टू 1 इंटू 17 होगा। और 23, चूँकि ये प्राइम नंबर्स हैं, 17, 23, 29 ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स उसको कहते हैं जो नंबर खुद से कटता है या वो वन से कट जाए, वही प्राइम नंबर्स होता है। तो ये प्राइम नंबर्स हैं, तो इसका ये आ गया 17 का 1 इंटू 17 आया। और 23 का हम करेंगे, 23 का ये हुआ 1 इंटू 23। और 29 का आप कर लेंगे, तो 29 का फैक्टर कर रहे हैं तो 1 इंटू 29, क्योंकि 29 भी किसी नंबर से नहीं कटेगा ना, ये सब यही होगा। तो अब इसका हम एच सी एफ लिखेंगे, क्या आया, एच सी एफ इज इक्वल टू, ये तीनों में क्या मिल रहा है, तीनों में ये 1 मिल रहा है ना, यही हमारा एच सी एफ होगा। एच सी एफ इज इक्वल टू 1, ये हमारा एच सी एफ हो गया। अब एल सी एम निकाल लेते हैं, एल सी एम निकालेंगे, एल सी एम इज इक्वल टू होता है जो तीनों में मिलता है उसको भी लिखते हैं एक बार, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तीनों में 1 मिला इसको लिख दिया, और उसके बाद 17 हो गया, 17 मिल नहीं रहा है उसको भी लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, 29 लिख देंगे, 23 लिखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे पहले 1 मिला तीनों में, इसको हमने लिख दिया, फिर 17 लिखेंगे, फिर 23 लिखेंगे, यहाँ पे 23 लिख दिया, फिर उसके बाद क्या है, 29 है, इसको लिख दिया। अब इन तीनों नंबर चारों नंबर का जो मल्टीप्लाई होगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो हम तीनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चूँकि 1 जो है ना, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम 23 लिख देते हैं, 23 में 17 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 3 21 की 1 आया, 2 7 2 14 14 2 16 यहाँ आया, 1 3 3 हो गया, 1 2 2 ओके, यहाँ पे आया 1 6 3 9 2 1 3। अब उसके बाद क्या है, 29 है, यहाँ 29 का मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ इसका करेंगे 9 1 9 9 9 81 की 1 आया 8, फिर 9 3 27 27 में एट जोड़ देंगे, 27 3 30 35 हो गया, 35। 2 2 का 1 के साथ किया, 2 1 2 उसके बाद 2 9 18 18 की 8 आया 1, 2 3 6 6 1 7। अब इसको ऐड कर देंगे, जितना होता है वही हमारा एलसीएम होगा, 9 हुआ, 2 1 3 हुआ, 8 5 13 की 3, अब 7 3 10 10 1 11, ये आया हमारा एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल टू 11,339, यही हमारा एलसीएम होगा। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया, यही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। थैंक यू।